हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक्कार, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और मेरे चैनल का नाम है मारखोर। और आज ज्वाइन किया हुआ है भाई अली हैदर ने और मेरे साथ है आज अली भाई। तो यार आप से बैठ हाँ, आज अली हैदर भाई आपको बताएंगे। यार आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई है, तो साथ में देखेंगे, जिसका टाइटल है रियल फोटो ऑफ हनुमान, मोस्ट मिस्टीरियस फोटो, मतलब जिसके बारे में कोई लोगों को इल्म नहीं है कि यार ये पिक्चर कहाँ से आई। और हम इसको पिक्चर को भी देखेंगे कि हनुमान जी का रूप तो अक्सर देखा है, को बहुत सारी जगहों पर देखा है, उनका जो रूप है बड़ा थोड़ा इंसानों से हटकर है, तो ये रियल फोटो अभी देखने को मिलेगी। देखते हैं और इसके पीछे क्या राज है। हनुमान जी जिन्हें एक चिरंजीवी कहा जाता है और वो रामायण काल से आज भी धरती लोक पर ही निवास करती हैं। त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, कई महापुरुषों और संतों ने हनुमान जी से भेंट होने की बात सबके सामने रखी है। तुलसीदास जी ने ये खुद माना था कि उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए हनुमान जी ने ही प्रेरित किया था, लेकिन साल 1998 को पूरी दुनिया के सामने आई हनुमान जी की एक असली तस्वीर। इस तस्वीर को खींचा था मानसरोवर की यात्रा पर गए कुछ श्रद्धालुओं ने, और वहां पर एक गुफा में हनुमान जी बैठे हुए थे और उनकी इस तस्वीर को खींच लिया गया। सबसे पहले तो इस तस्वीर की पूरी कहानी आपको बताते हैं। साल 1998 को पूरी दुनिया में हनुमान जी की ये तस्वीर पूरी तरह से सर्कुलेट हो गई। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि तीन दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को एक लंगूर सी आकृति दिखी जो बड़ी ही तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, कुछ तो शक्ति है उसमें, इसीलिए वो जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा। भक्त ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि फोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ये मौत रहस्यमय थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। आज इस घटना को हुए लगभग 24 साल हो गए हैं और इस तस्वीर को हम हर मंदिर हर जगह पर देख सकते हैं। हर हनुमान भक्त के पास ये तस्वीर कम से कम मोबाइल में तो होती ही है। कुछ लोग इसे सच्ची तस्वीर कहते हैं, तो कुछ लोग इसे एक झूठी और बनावटी तस्वीर मानते हैं। लेकिन अगर हम इसका पूरी तरह से अध्ययन करें तो हम कुछ जानकारी जरूर जुटा सकते हैं। इस कहानी में भी ये बताया गया है कि एक दोस्त जो हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त था, वही उस गुफा में गया था और उसके दो दोस्त वहां पर हनुमान जी को देख नहीं पाए। उन्हें ये तक पता नहीं था कि अपने उस दोस्त की मौत किस वजह से हुई है। उसके बाद जब वो उस फिल्म को लेकर आए और उसे डेवलप करवाया, उसमें हनुमान जी की ये तस्वीर थी। इसके बाद उन्हें पता चला कि हनुमान जी को देखने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये पूरी तरह सच भी तो नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि हनुमान जी की तस्वीर लेने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई होगी? अगर हम इतिहास को देखें तो हनुमान जी ने हर भक्त की रक्षा की है। महाभारत में भी वो अर्जुन के रथ का ध्वज बनकर उन्हें बचाते रहे थे। क्या वो किसी भक्त की मृत्यु अपनी आंखों के सामने होने दे सकते हैं?
अगर हम इस तस्वीर को और ध्यान से देखें तो हम देखेंगे हनुमान जी की इस तस्वीर के नीचे कुछ टाइल्स लगी हुई दिख रही हैं, जबकि हनुमान जी के पीछे भी लगी हुई हम उन टाइल्स को देख सकते हैं। क्या आपको ये किसी मंदिर की तस्वीर नहीं लगती? क्या किसी गुफा में इस तरह की आधुनिक टाइल्स लगी हो सकती हैं? अगर गुफा में ऐसी टाइल्स लगी हो भी सकती हैं, तो क्या हनुमान जी ऐसी बनावटी जगह पर रहना पसंद करेंगे या प्रकृति की गोद में रहकर उसका आनंद लेते हुए दिखाई देंगे? कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत के एक मंदिर की तस्वीरें बहुत ज्यादा प्रचलित होना शुरू हो गई। ये बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा है जैसी उस तस्वीर में दिख रही है। इस मंदिर में लगी टाइल्स बिल्कुल उस तस्वीर की टाइल्स की जैसी ही हैं, और समय के साथ साथ वहां पर नई नई चीजें बनाई जा रही हैं। इस मंदिर की पूरी जानकारी ढूंढना इंटरनेट पर काफी मुश्किल हो रहा है, तो मैं इतनी ही जानकारी पता कर पाया हूँ। लेकिन अगर हम अपने वेदों और पुराणों का अध्ययन करें तो हम ये जरूर जान सकते हैं कि हनुमान जी भले ही धरती लोक पर निवास करते हैं, लेकिन वो भौतिक शरीर से धरती पर निवास नहीं करते। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने शरीर का रंग रूप और आकार बदल सकते हैं। वो तीनों लोक का भ्रमण कुछ ही क्षण में कर सकते हैं, और किसी मनुष्य का उनको देखना उतना ही मुश्किल है जितना पूरे ब्रह्मांड का सफर हम इंसानों के लिए एक क्षण में करना हो। मित्रों, मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी के साथ हम मुझे तो ये फर्स्ट टाइम ये तस्वीर देखकर मैं तो हैरान हो गया। ये तो हनुमान जी की मैं तो फर्स्ट तस्वीर ये देखकर जिसने भी खींची वो तो इस दुनिया से चल बसा। बाकी जो उन दोस्तों ने खींची थी तस्वीर उन लोगों ने वो पहुँचाई। बाकी अली हैदर भाई से हम पूछेंगे। इंसान में इतनी ताकत ही नहीं है हनुमान जी का भाई देख सके यार। वो तो उनका अपना बिलीफ है। बाकी यार ये पिक्चर जो अभी हमने देखी, अक्सर हमने टीवी चैनल्स पर यूट्यूब पर या जहाँ पे हमें देखने को कुछ मिलता है तो वो रूप जो हनुमान जी का होता है, एक तो मस्कुलर टाइप बॉडी बिल्डर जैसे होते हैं ना वैसा रूप होता है, या फिर जो कुछ जो श्री राम जी के साथ भी जब होते थे तब भी वो रूप दिखा था। लेकिन ये पिक्चर वाला रूप थोड़ा अजीब सा भी था, लेकिन जो भी था बड़ा ही मतलब अनोखा सा था। हमने फर्स्ट टाइम ये देखा तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी यार। चलो दोस्तों, हमारे चैनल को देखकर आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और जरूर बेल आइकन को दबा देना। बकार भाई के लिए यार।